हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल री स्टाइल टिप्स। मैं हूं रेनी। आज मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में कि कैसे आप ये ब्लैक स्मोकी आई लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अप्लाई करूंगी टोनर को। गुड वाइब्स का टोनर लिया है मैंने। स्किन को प्रेप करने के लिए मैंने फर्स्ट टोनर को यूज़ किया है, देन थोड़ा सा हैंड से इसको मैं थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में मैं लगाऊंगी सीरम। ये गुड वाइब्स का सीरम है, रोजहिप ऑयल। तो ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा अभी स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। अगर आपका स्किन ड्राई नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर देना। अच्छे से मैं अपने स्किन में इसको एब्जॉर्ब करवा दूँगी, देन मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। कोई भी मेकअप करने के पहले एक अच्छा सा स्किन केयर, एक प्रेप अगर कर लेंगे अपने स्किन को तो मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। मैं कलर एसेंस का कंसीलर स्टिक को लेके अपने पिगमेंटेड एरिया को मैं कवर करूँगी। इसको एज ए कलर करेक्टर मैं यूज़ करूँगी, इसको एज ए कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि ये थोड़ा सा येलो टोन में है, थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का टोन है, तो मैं इसको एज ए कलर करेक्टर मैं इसको यूज़ करती हूँ। जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है उस जगह को मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने फिंगर के हेल्प से इसको ब्लेंड करती हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप देख पा रहे हो मेरा स्किन थोड़ा सा येलो टोन में लग रहा है अभी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, लूज पाउडर लूँगी थोड़ा सा। अब जिन जिन एरिया में मैंने लगाया है उसको सेट करूँगी, बेकिंग नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा अमाउंट लेकर सेट करूँगी ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब भी मैं सीसी क्रीम को अप्लाई करूँ तो ये अपनी जगह से हिले ना। सीसी क्रीम लिया है मैंने, इसको ऑल ओवर फेस में मैं डॉट डॉट करके लगाऊंगी और देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले ऑलवेज डैम कर लीजिए, तो क्या होगा, फिनिश जो आएगा वो एकदम नेचुरल फिनिश लगेगा। और अपना नेक और अपने ईयर्स को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर अगर नहीं लगाओगे तो एकदम बहुत अच्छा नहीं लगता है मेकअप, लगता है कि एकदम डिफरेंट है, फेस अलग है और ईयर और नेक अलग सा टाइप का है, तो ऑलवेज नेक और ईयर को मत भूलना। तो हो गया मेरा ब्लेंडिंग। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। मैं स्टार्ट करूँगी आईज से, तो मैं सबसे पहले अपने लिट एरिया को कंसील करूँगी। NYB की कंसीलर है, शेड नंबर है 2। इसको अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करने के बाद इसको भी सेट करूँगी मैं लूज़ पाउडर से। अच्छे से अपने लूज़ पाउडर से सेट करने के बाद मेरा लिड एरिया एकदम रेडी हो जाएगा फॉर आई शेडो। ब्लैक स्मोकी आई बेस के लिए मैं फर्स्ट लूँगी काजल। इसको लिड में मैं लगाऊँगी एज ए बेस, तो मैं क्रीज तक अपने लिड का क्रीज एरिया तक इसको ऑल ओवर लिड में मैं लगाऊँगी, बट मैं क्रीज के ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगी। देखिए जहाँ पर मेरे आईज़ फोल्ड हो रही है, मेरे ओरिजिनल क्रीज जहाँ पर है, मैं बस वहाँ तक ही इसको लगाऊँगी। अब देख पाओगे कि मैं इनर साइड में, इनर कॉर्नर में थोड़ा सा जगह छोड़ भी दिया है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम में तो स्मच करूँगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया है। तो लिट से ज़्यादा, लिट का क्रीज से ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना है, बस क्रीज एरिया तक लेके जाइए। प्रिसाइसली नहीं भी कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं इस फ्लैट टाइप के ब्रश से इसको मैं स्मच करूँगी। अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके पूरे लिट को अच्छे से मैं स्मच करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा मैं अपना जो क्रीज एरिया है वहाँ तक मैं थोड़ा सा इसको स्मच करते हुए लेके जाऊँगी, बट बहुत एक्सेस मत लेके जाना, बस थोड़ा सा इसका जो एज है उसको बस अच्छे से ब्लेंड कर देना, क्योंकि स्मोकी आई लुक है तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से ब्लेंड कर दिया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप में मैं लूँगी ये ब्लैक कलर का ये शिमरी शेड, ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट, विंकी पैलेट है, शेड नंबर है 2। तो मैं इससे क्या होगा, इसका जो काजल मैंने लगाया है तो वो भी सेट हो जाएगा और ये थोड़ा सा शिमरी है तो लिड भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑल ओवर लिड में मैं इसको लगा दिया है, देन मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से इसका भी जो एज है उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एक स्मोकी सा लुक आए, स्मज हो जाए। स्मोकी आईज में ऑलवेज ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि ये लुक बहुत खुल के आए, एकदम स्मोकी सा, एकदम स्मज लुक। उसी पैलेट से मैं ये ब्राउन कलर को लूँगी एज ए ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा लिड अगर ब्लैक होगा तो मेकअप अच्छे से ये लुक उभर के नहीं आएगा, तो एक ट्रांजिशन शेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ब्लैक कलर को लेके अपने क्रीज एरिया में इसको मैं सर्कुलर मोशन में लगाऊंगी और धीरे धीरे ब्लेंड करूंगी ताकि बहुत अच्छे से स्मोक आउट हो जाए पूरा लिड।
देन मैं काजल को यूज़ करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन में एज वेल एज मेरा लैश लाइन में भी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको स्मज भी करूँगी उस ब्रश की हेल्प से, बट इनर कॉर्नर्स में मैं लगाऊँगी वही आई शेडो को। ये थोड़ा सा शिमरी था तो इसलिए मैं इनर कॉर्नर्स में उस आई शेडो को ही लगाऊँगी। नेक्स्ट मैं फिर से ब्राउन शेड को लूँगी और इसका आउटर जो हाफ होगा लोअर लैश लाइन का आउटर हाफ में मैं इस ब्राउन कलर को लगाते हुए ऊपर के साथ मैं जॉइन करूँगी। स्मोकी आई लुक में ऊपर के साथ नीचे का लैश लाइन जॉइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो ओवरऑल लुक आती है। तो बस ब्लेंड करना है आपको अच्छे से ताकि पूरा एकदम लिड एकदम स्मोक आउट हो और एकदम ब्लेंडेड वेल ब्लेंडेड लगे। एंड आईज कंप्लीट होने के बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। ये है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल इन द शेड चॉकलेट ब्राउन, बहुत सही वाला पेंसिल है, आई लव इट। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं फिल कर रही हूँ इसकी हेल्प से। देन मैं क्या करूँगी, इसके साथ जो ब्रश आता है उससे मैं एक बार ब्रश कर लेती हूँ ताकि जितना भी कलर्स मैंने अप्लाई किया है वो एकदम ब्लेंडेड हो जाए और एकदम नेचुरल लगे कि मेरा आईब्रो एकदम नेचुरल है। आईज कंप्लीट होने के बाद मैं ऑलवेज अपने अंडर आई एरिया को एक बार क्लीन कर लेती हूँ ताकि कोई भी फॉल आउट अगर हुआ हो तो वो क्लीन हो जाए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया को कंसील करने के लिए। जब भी आप स्मोकी आई लुक करो अपने अंडर आई को अच्छे से कंसीलर से कंसील किया करो, तभी आपका जो फेस है वो बहुत ब्राइट दिखता है। अगर आप अंडर आई एरिया को कंसील नहीं करोगे लुक बहुत डल लगता है। तो मैं थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन में भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी ताकि वो भी थोड़ा सा हाईलाइट हो। अब मैं अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी, अपने अंडर आई एरिया को ब्लेंड करते हुए एकदम कंसील करने के बाद इसको सेट भी करूँगी। तुरंत सेट करूँगी मैं इसको लूज पाउडर से, लैक्मे का लूज पाउडर मैं यूज़ करूँगी सेट करने के लिए। तो जब भी आप कंसीलर लगाओ तुरंत उसको सेट कर लो ताकि आगे जाके कोई भी क्रीज या फिर कुछ भी ना हो। है मस्कारा की बारी, तो मैंने लिया है ब्लू रिबन का मस्कारा, वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा। टू कोर्स करके ऊपर का नीचे के लैश में लगाऊंगी। नेक्स्ट लूंगी मैं ये ब्राउन टाइप का कंटूर शेड, ये थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में है तो मैं इसको पहले अपने फिंगर के हेल्प से प्लेस करूंगी, फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके अपने ऑल ओवर फेस को सेट करूँगी, बट जहाँ पर कंटूर को लगाया है उसको छोड़ के मैं ऑल ओवर फेस में लगाऊंगी, बट ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी फेस ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई थी। तो बस थोड़ा सा सेट करूँगी इसको लेके। देन चिक्स की बारी, ब्लू हेवन का 503 शेड है ये ब्लश का, तो मैं लिप्स और चिक्स को ज़्यादा नहीं करूँगी, न्यूड में रखूँगी क्योंकि मेरी जो आईज है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। देन मैं ये हाइलाइटर शेड को लूँगी, दोनों हाइलाइटर को मिक्स करके लगाऊँगी ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने क्यूपिड को, अपने चिक्स में, अपने फोरहेड में, जहाँ पर भी हाइस्ट पॉइंट है अपने फेस का वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी इसको। बहुत प्रिटी लगता है हाइलाइटर यूज़ करने में, मुझे फोरहेड में लगाना बहुत पसंद है इसको, इसलिए मैं लगाती हूँ। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर देना। आईज की इनर कॉर्नर को भी नहीं भूलना है, आईज की इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा लगाना है ताकि आईज थोड़ा सा पॉपअप हो जाए। एंड द लास्ट स्टेप में मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, तो ये न्यूड लिपस्टिक को चूज़ किया है मैंने क्योंकि आईज बोल्ड है, मेरी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक है ये, NYBA की 22 शेड है। तो ये है आज का फाइनल फिनिश लुक, आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, रेड बटन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सिल्वर ज्वेलरी ऐड करने के बाद ये सिंपल सा लुक बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक में कन्वर्ट हो गया है, खासकर ये नो स्पिन को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा ये एलिगेंट लुक में बदल गया है। ब्लैक ड्रेस, ब्लैक स्मोकी आई, उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट करता है। अगर आप भी ऐसे ही ज्वेलरी के साथ मेकअप लुक को क्रिएट करते हो तो मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे टैग करना मत भूलना, मुझे फॉलो करना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करना। सो आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।